पर मैं बता दूं, कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है गेहूं। गेहूं क्यों मैम? हाँ देखो, अभी अब सबके दिमाग की बत्तियां जल जाती है। गेहूं क्यों? हाँ। गेहूं तो हमारे भारत में पैदा होता है। मैं आपको बता दूं, गेहूं हमारे भारत का फसल नहीं है। गेहूं हमारे यहाँ का नहीं है? फसल हमारे यहाँ का नहीं है। जब ये हरित क्रांति आई थी, हाँ? तब सरकार ने हमारे देश को गरीब घोषित करने के लिए गेहूं का बाहर से मंगवाया था। तब से हमारे यहाँ पर गेहूं, हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज हुआ करता था। गेहूं में, गेहूं में क्या है आपको बता दूं, गेहूं में क्या है? अब मैं, आपने जैसे, ये मेरे को पहली बार पता चला है, मेरे को नहीं पता था। गेहूं के दाने आप कुछ मुंह में डालिए, हाँ। चबाइए उसको, बहुत देर तक चबाते रहिए, चबाते बन जाती है। हाँ, वो क्या होगा, फाइबर्स तो आपके पेट में चले गए, हाँ। और बाद में च्युइंगम टाइप से रह जाएगा, राइट, है ना। अब आपने महज 6-7 दानों में इतना सा च्युइंगम बनता है, हमने 4 चपाती खाई है, 4 फुलके खाए, तो कितना ग्लूटेन जो आपका बचता है, च्युइंगम जिसको हम बोलते हैं, वो च्युइंगम ग्लूटेन कहलाती है। Really? आप ग्लूटेन थूक देते हो ना जब आप खाना, आप चुकले टाइप में थूक दिया, हाँ, क्योंकि अंदर तो आपको दिल ही नहीं करेगा ले जाने का, नहीं ना करता। क्योंकि ग्रीसी ग्रीसी टाइप्स ना, राइट। तो क्या होगा, वो जो ग्लूटेन है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ जी, इसीलिए आपको क्या खाना है, मोटा अनाज जिसमें मक्का होती मक्का है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, जौ भी होती है, चावल, कितना, हाँ चावल भी हमारे, कितना कुछ है तो खाने को, तो ध्यान रखिए। और मैडम देखो जो चमक रही है, ये रीजन है ये अनाज बहुत अच्छा खाते है। तो मैम आज की वीडियो को दे दें विराम, या और कुछ टिप बसी है तो वो बताएं? नहीं, बाकी और आते रहेंगे तो सब मिलता रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपने, मैम ने जो बताया, आप इसको प्लीज फॉलो करें। देखो, फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और मात्र 3 महीने में आप बता सकते हो हीरा जी को कि मैंने ये टिप्स किए थे और मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। तो जिसको बोलते हैं ना वीट एलर्जी है गेहूं, तो वो मुझे लगता है वो ज्यादा पेट भर गया है हम लोगों से। हाँ। जो लोग कहते हैं ना मैं वीट एलर्जी डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर नहीं है, मुझे आज पहली बार पता चला है। दिस इज द रीजन। तो दोस्तों, हम लोगों को खाने का फॉलो करना है, पानी टाइम पे पीना है, खाने के एकदम बाद नहीं पीना है, खाने के बीच में भी नहीं पीना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, खाना चबा चबा के खाइएगा, खाना जमीन पे बैठ के खाइएगा, खाना शांत मन से खाइएगा, टीवी देख के खाना बिल्कुल मत खाइएगा, वरना कहते ना जैसा देख के खाओगे वैसे हो जाएगा मन। तो दोस्तों, वीडियो को देते हैं विराम, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमें आशीर्वाद भी दें कि हम लोगों तक, जो जन जन तक जो चीज़ सही पहुँचा रहे हैं, वो लोग आप भी उसको फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचे। प्रणाम, धन्यवाद।